हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास सेवन साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं अगर अभी तक आपने हिंदी के हाफ़ ईयरली क्वेश्चन पेपर की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के हाफ ईयरली पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट इज नोन एज सिम्बियोसिस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस पैरासिटिक पैरासेटिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट द्वारा फूड बनाने की प्रोसेस को फोटो कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन है द गॉल ब्लैडर टेम्परोरी स्टोर्स फैट्स बाइल जूस कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन्स करेक्ट आंसर है बाइक जूस क्वेश्चन नंबर टू के और में क्वेश्चन है डाइजेशन इज स्टमक टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम न्यूट्रल मीडियम या फिर नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है एसिडिक मीडियम क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट फर्स्ट कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल सेकेंड सच पेन अपेयर्स कलरफुल तीसरा ऑप्शन है कॉपर इज ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील आंसर है कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर सेकेंड क्विक लाइम थर्ड बेकिंग सोडा और फोर्थ सेलेक्ट लाइम करेक्ट आंसर है ए ऑर्गेनिक मैटर क्वेश्चन नंबर फाइव है विच वन इज़ फिल्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर कॉपर मरकरी सिल्वर या फिर लेड करेक्ट आंसर है मरकरी क्वेश्चन नंबर सिक्स है विन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर ब्लैंक स्पेस इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की फर्स्ट ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट सेकेंड जिंक कार्बोनेट थर्ड कैल्शियम सल्फेट और फोर्थ कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर सेवन है बर्ड्स हैव ब्लैंक स्पेस फॉर रेस्पिरेशन लंग्स एयर ब्लडर स्किन या गिल्स करेक्ट आंसर है लंग्स क्वेश्चन नंबर एट है टैप वाटर नल का पानी है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या डिपेंड्स ऑन द सोर्स ये सोर्स पर डिपेंड करता है डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन है गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली इन एसिडिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम न्यूट्रल मीडियम या हाईली एल्कलाइन मीडियम करेक्ट आंसर है एसिडिक मीडियम क्वेश्चन नंबर टेन है बर्निंग ऑफ एनी सब्सटांसिस इज ए एन फिजिकल चेंज केमिकल चेंज ए इिवर्सिबल चेंज बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर है केमिकल चेंज इस तरह से ग्रीन प्लांट में फूड का बनना फोटो कहलाता है गोल ब्लडर में बाइल जूस टेम्परोरी स्टोर होता है स्टमक में एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है स्टेनलेस स्टील की पैन के बॉटम में कॉपर की कोडिंग होती है क्योंकि कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के बल्ब में मरकरी भरा हुआ होता है लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है रेस्पिरेशन के लिए बर्ड्स में लंग्स होते हैं टैप वाटर इसका नेचर होता है डिपेंड्स ऑन सोर्सेस गैस्ट्रिक डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है एसिडिक मीडियम में और जब किसी सब को जलाया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है अर्थात केमिकल चेंज होता है सेक्शन बी यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन गिव वन डिफरेंस बिटवीन अ पैरासाइट a saprophyte विथ एन examples ऑफ each. पैरासाइट और सेप्रोफाइट में एक डिफरेंस बताइए और एक एग्जाम्पल बताइए सेप्रोफाइट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिय डेड एंड डिकेइन मैटर से लेते हैं सेप्रोफाइट्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर डेड एंड डिकेन मैटर्स एग्जांपल्स फंगी मशरूम या एनी अदर कोई एक एग्जांपल लिखना है पैरासाइट्स लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट इट्स फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट एग्जाम्पल्स राउंड वाम पैरासाइट कस्कुटा एक्सेट्रा कोई एक एग्जाम्पल लिखना है और में क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिम्बियोसिस गिव एन ऑफ सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस से आप क्या समझते हैं एक एग्जाम्पल भी लिखिए कुछ एनिमल्स एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर्स को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं इस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहते हैं सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस फॉर एग्जाम्पल लाइकेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लैग्यूमस प्लांट्स कोई एक एग्जाम्पल लिखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन इन फंक्शन में डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ए आब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में फूड के आब्जॉर्प्शन में सिकिंग चूंग ऑफ फूड फूड को चबाने में तीसरा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारने में और डी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करने में अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है च्यूंग ऑफ फूड का काम माउथ में होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में होते हैं और डी कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वाटर विली वाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन विली क्या है और इसका लोकेशन और फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के सर्फिस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली कहलाता है इसका काम है फूड का एब्जॉर्बन करना द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शन द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्बशन ऑफ द डाइजेस्टिड फूड क्वेश्चन नंबर थर्टीन में और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रिएटेड बाई स्टमक स्टमक में सिक्रियट होने वाले म्यूकस का क्या रोल है ये स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्टमक में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आंसर हो जाएगा म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट हीट के दो कंडक्टर और इंसुलेटर के एग्जांपल बताइए हीट के लिए गुड कंडक्टर्स हैं आयरन और कॉपर और इंसुलेटर है प्लास्टिक और वुड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मैच द फॉलोइंग पहला है लैंड ब्रिज ब्लू ड्यूरिंग इसे मैच करेंगे नाइट से दूसरा है सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग इसे मैच करेंगे डे से तीसरा है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग डार्क कलर के क्लॉथ कब प्रेफर किए जाते हैं इसको मैच करेंगे विंटर से विंटर में प्रीफर किए जाते हैं और लास्ट है लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग लाइट कलर के क्लॉथ कब प्रेफर किए जाते हैं ये प्रेफर किए जाते हैं समर में गर्मियों में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच as विंडो क्लीनर इट टर्न रेड लिटमस ब्लू What is इट्स नेचर अमोनिया बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है या होता है जैसे विंडो क्लीनर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है इसका नेचर क्या है आंसर हो जाएगा इट इज बेसिक इन नेचर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स पहला स्टेटमेंट है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू नाइट्रिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा रेड को ब्लू में नहीं करेगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस को रेड में नहीं करेगा ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर एटीन है वेन कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस जब कैंडल जलती है तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं आइडेंटिफाई दीज चेंजेस को आइडेंटिफाई करिए पहचानिए गिव अनादर एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इसी तरह का एक और एग्जाम्पल बताइए जिसमें दोनों चेंजेस केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हो आंसर हो जाएगा विन ए कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर्स जब कैंडल जलती है तो दोनों तरह के चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स फिजिकल चेंज तब होता है जब वैक्स मेल्ट होती है पिघलती है और इसमें वेपोराइजेशन होता है केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट और केमिकल चेंज तब होता है जब वैक्स की वेपर जलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हीट और लाइट निकलती है इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है एल पी जी एल पी जी अनादर एग्जाम्पल इन विच फिजिकल चेंजेस ऑकर्स व्हेन एल पी जी कम आउट ऑफ द सिलेंडर एंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज स्टेट एंड अ केमिकल चेंजेस ऑकर्स वेन गैस बर्न इन एयर एल पी जी में भी दोनों तरह के चेंजेस होते हैं फिजिकल और केमिकल जब एल पी जी गैस सिलेंडर से निकलती है तो ये लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जब एयर में यह गैस चलती है तो केमिकल रिएक्शन होता है एलपीजी का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना फिजिकल चेंज है और इसका जलना केमिकल चेंज है इस वीडियो में यहीं तक पार्ट टू वीडियो में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तक अर्थात लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे दिस इज द एंड ऑफ वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग।